Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification, and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB कांस्टेबल का नया फॉर्म का आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है, पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, 18 पेज का ये एडवर्टीजमेंट है। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरी जानकारी जो एडवर्टीजमेंट में दी हुई है, टोटल ये 18 पेज का एडवर्टीजमेंट है जिसको कि पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपको इस फॉर्म को आवेदन करना है और कहाँ पे आपको पूरी जानकारी शॉर्ट में मिलेगी। तो दोस्तों उसके लिए आपको नंबर 1 वेबसाइट rozgarresult.com को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान रहे, बहुत ही ट्रस्टेबल, जेन्युइन और बहुत ही पुरानी वेबसाइट rozgarresult.com। आप इसका एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसपे आपको सारी जानकारी समय समय में मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं SSB कांस्टेबल का फॉर्म आ चुका है, आपको इस पर क्लिक करना है। मैं आपको एक साइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म के आवेदन करने पर। तो दोस्तों हमारी दूसरी वेबसाइट है sarkarirezult.com। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पुरानी और बहुत ही ट्रस्टेबल वेबसाइट, लेकिन दोस्तों जब भी सरकारी रिजल्ट खोलना है लास्ट में .com जरूर लगाना है, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई हैं। हम सीधा चलते हैं SSB रिक्रूटमेंट पे, देख सकते हैं SSB कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट का लिंक दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको बता दूँ सीधा आपको नीचे आना, आपको बता दूँ फॉर्म इसका 29 अगस्त से चालू है और 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। जनरल OBC की फीस 100 है, SC ST PH की कोई भी फीस नहीं है। उम्र की बात करें तो 18 से 27 है जो कि पोस्ट वाइज निर्धारित की गई है, 1/1/2020 से कैलकुलेटर। टोटल इसमें 1522 पोस्ट है जो कि अलग अलग ट्रेड में है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10 के साथ ITI मांगा है। तो दोस्तों देख सकते हैं अलग अलग दिया हुआ है किस पोस्ट में कितनी एज है। तो चलिए दोस्तों मैं अब इसका जो आवेदन आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसमें जो आपको आवेदन कर रहा हूँ वो कुक वाली पोस्ट का करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट दी हुई है और ड्राइवर में भी दी है। तो मैं कुक का करता हूँ, मैं अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं हम लोग अपने उसी पेज पे आ गए हैं जिस पेज पे से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जो है पोस्ट डाल देनी है। जैसे मैंने आपको दिखाया था तो मैंने यहाँ कुक के लिए अप्लाई किया है, यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, पिता का नाम डाल देता हूँ, मदर का नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, उसके बाद हम अपना जेंडर सिलेक्ट कर देते हैं, नेशनलिटी कर देते हैं, धर्म आपको सिलेक्ट करना है, अपना मैरिटल अनमैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कैटेगरी डालनी है, जनरल OBC SC ST जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आपको डाल देनी है। आपको बता दें अगर आप कैटेगरी क्लिक करेंगे तो आपको कैटेगरी में जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें आपको अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको कैटेगरी पे करके दिखाया है आपको। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका गहरवाल है, राइट्स है, गुजरात दंगों का और एक्स सर्विसमैन का है और आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, इन सब में अगर आपका किसी का भी हो तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका पूछा है ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, University ID कार्ड कुछ भी जो है दे सकते हैं। तो मैं अपना वोटर आईडी कार्ड जो है दे देता हूँ, ये देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक आपको आइडेंटिफिकेशन चिन्ह देना है कि जैसे आपको कटा हो या तिल का निशान हो, तो मैंने आप मोल ऑन दी फेस दे दिया है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना है। उसके बाद दोस्तों जो कुक आपने जिस पोस्ट के लिए डाला उस पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम डालना है, मैंने बोर्ड का नाम डाल दिया, बोर्ड आपने कब पास किया वो डाल देना है आपको, आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, जो सर्टिफिकेट नंबर यानी जो डिग्री में आपका सर्टिफिकेट नंबर रहता है वो डाल देना है, कब आपकी जो मार्कशीट है वो इशू हुई है उसको डाल देना है आपको, उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टोटल एग्रीगेट परसेंटेज है वो डाल देना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरा डाल दिया। उसके बाद पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे आपको यस और नो करना है कि मैट्रिकुलेशन जो आपका पास है रिकॉग्नाइज बोर्ड से, बिल्कुल सही बात है, यस है। उसके बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है आपके पास है कि नहीं है, नहीं है तो नो कर दीजिए, हालांकि इसमें कंपल्सरी दिया हुआ है तो आपको यस करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास देखिए 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल यानी ITI है कि नहीं है। उसके बाद 2 ईयर जो पूछा है इंडस्ट्रियल, उसमें जो जो आपके पास है तो उस पर आपको यस करना है, जो चीज़ नहीं है उसको आपको नो कर देना है। तो मैंने देख सकते हैं जिसपे है उसको यस कर देना है, जिसपे नहीं उसको नो कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे यहाँ पे आपको स्किल करना है कि आपका और किसमें कर सकते हैं, जैसे मैंने कुक कर लिया, अगर आपको और भी कोई जैसे सफाई वाला कर सकते हैं आप, वाटर कैरियर कर सकते हैं, जिसमें जिसमें आपको आता है उसको आप कर सकते हैं, वाशरमैन कर लिया, आपके जो जो स्किल है उस पर आप कर सकते हो। तो इस तरह मैंने कहने के बाद नेक्स्ट करके आगे चलते हैं।
दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ जिसमें एक माइनर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें देख सकते हैं और बीच में दिया है, यानी कि या तो आपके पास ये होना चाहिए, यानी कि आप 10th क्लास 10th और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, या तो फिर आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। देख सकते हैं इन सब में आपके पास जो है कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो। इसमें जो है मैंने अपना 2 ईयर का एक्सपीरियंस जैसे शो किया, मैंने यहाँ इसको नो कर दिया, 10th पे मैंने यस कर दिया, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 ईयर का डिप्लोमा पे यस कर दिया। तो अब हमारा ये जो एलिजिबिलिटी है वो कम्प्लीट हो जाए। अब हम नेक्स्ट करके आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं हम अपने सेकंड स्टेज पे आ चुके हैं। सेकंड स्टेज में यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, पोस्ट ऑफिस आपको डाल देना है, तहसील आपको डालना है, आपका जो थाना है वो डाल देना है, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। तो दोस्तों अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना, अगर दोनों एड्रेस आपका अलग अलग है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है फॉर्म भरने में तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा आप कभी डिबेट किए गए हैं, आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल केस है, जैसे कि आप देखते हैं कॉमन फॉर्म में पूछता है क्रिमिनल केस है, कोई कोर्ट केस वगैरह है, तो वो सब अगर आपका है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है पासवर्ड, एक आपको पासवर्ड बनाना है जो कि कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए और जिसमें स्पेशल करेक्टर वगैरह सब कुछ होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, अब मैं प्रोसीड करके आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं पूरी डिटेल जो हमारी खुल के आ रही है, सारी चीज़ें जो नाम आम सारी चीज़ें आप उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि आपको जो भी डिटेल्स भरी आपने सब सही है कि नहीं, पूरा अच्छी तरह चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऐसे टिक करना है, यहाँ पे एक कैप्चा जो है दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही डाल देंगे। अगर आपको लगता है कुछ भी गलती है तो यहाँ पे एडिट डिटेल जाके आप पहले फॉर्म को सही कर लीजिए, उसके बाद सबमिट करके आगे कीजिए। तो मैंने अपनी सारी डिटेल चेक कर ली, सब कुछ सही, हम सबमिट करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आ चुका है। आपको बता दें जो जनरल OBC कैंडिडेट है उनका ये ऑप्शन जो है पहले पेमेंट करेंगे उसके बाद ही आएगा। उसके बाद फोटो जो आपको लगानी है देख सकते हैं, फोटो में जिसमें टिक लगा इसी तरह की फोटो होनी चाहिए, पहले चेहरा जूम पे होनी चाहिए, फोटो 6 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, सार फोकस होना चाहिए, क्लियर फोटो होनी चाहिए। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नीचे चलते हैं और अपना फोटो सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। आपको बता दें इसमें क्या क्या अपलोड करना है, सबसे पहले आपको यहाँ फोटो लगानी है, उसके बाद सिग्नेचर लगाना है। सिग्नेचर बता दें ब्लैक या ब्लू पेन से होना चाहिए, वाइट पेपर में होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपने 10th का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है, उसके जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने दी है वो भी लगाना है स्कैन करके, साथ ही साथ आपने जो ID प्रूफ दिया है जैसे मैंने वोटर ID दिया था वो भी लगाना है। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लगाना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको लगाता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं फॉर्म आपका जो कंप्लीटेड सबमिट हो चुका है, यहाँ पे आपका आ चुका है, लेकिन फॉर्म अभी आपका प्रोविजनल है क्योंकि उसके बाद वो जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब चेक किए जाएंगे, उसके बाद ही जो है आपका जो है चीज़ें जो है कंप्लीट होंगी। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करके फॉर्म को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।